पाकिस्तान पर एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक, दहशतगर्दों के ठिकाने नेस्तानाबूद, सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान। पाकिस्तान एक बार फिर तबाह हुआ है, पाकिस्तान एक बार फिर बौखलाया नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पर एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है। इस सर्जिकल स्ट्राइक में दहशतगर्दों के ठिकानों को नेस्तानाबूद कर दिया गया है, लेकिन यह सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया ने नहीं बल्कि एक मुस्लिम देश ने ही पाकिस्तान पर किया है। कौन है वो देश और इस सर्जिकल स्ट्राइक की क्या वजह है, चलिए जानते हैं। इस बार पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक ईरान ने किया है। ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया है, ऐसा दावा खुद ईरान ने ही किया है। ईरान ने यह एयर स्ट्राइक बलूचिस्तान के पंजगुर में किया है, जिसके लिए यह दावा किया गया है कि वहां दहशतगर्दों के ठिकानों पर अटैक किया गया है। इस हमले के बाद ईरान की तरफ से खुद बताया गया है कि उसने पाकिस्तान के दहशतगर्दों के संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर अटैक किया है। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने शुरू में तो चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब उसने ईरान की तरफ से किए गए इस हमले को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। पाकिस्तान ने बयान जारी कर कहा है कि ईरान की तरफ से हमारे हवाई इलाकों में बेवजह उल्लंघन किया गया है। ये हमला पाकिस्तान के इलाकों के भीतर किया गया है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ये पूरी तरह से पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन है। पाकिस्तान ने साथ ही ये भी कहा कि ये हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। फिर पाकिस्तान ने चेतावनी भी दी है कि इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। साथ ही पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि दोनों देशों के बीच संचार के कई चैनल मौजूद होने के बाद भी ईरान ने ये हमला किया है, जिसे पाकिस्तान कतई स्वीकार नहीं करेगा। पाकिस्तान के मुताबिक ये हमला इसलिए चिंताजनक है क्योंकि संचार चैनल होने के बाद भी ऐसा अवैध काम किया गया है। साथ ही पाकिस्तान ने ये भी जानकारी दी है कि इस कार्रवाई की घोर निंदा करने के लिए ईरानी प्रभारी को विदेश मंत्रालय ने तलब किया है। साथ ही ये भी धमकी दी गई है कि इस हमले के बाद के रिजल्ट्स की पूरी जिम्मेदारी भी ईरान को ही लेनी होगी। वहीं सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में ईरान की सरकारी मीडिया ने भी जानकारी दी है, जिसके मुताबिक ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से इराक और सीरिया में मिसाइलों से हमले के एक दिन बाद ये कार्रवाई की गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक दहशतगर्दों के समूह ने पहले भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर इलाकों में ईरानी सुरक्षा बलों पर हमले किए हैं। इन्हीं ठिकानों पर मिसाइलों को ड्रोनों से हमला कर उन्हें तबाह किया गया है। वहीं इस हमले के बारे में अल अरबिया न्यूज ने तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से जानकारी दी है कि ईरान ने पाकिस्तान में दहशतगर्द संगठन जैश अल अदल के दो खास मुख्यालयों को नेस्तनाबूद किया है। जैश अल अदल को ईरान दहशतगर्द संगठन घोषित कर चुका है। यह एक सुन्नी दहशतगर्द समूह माना जाता है, जिस पर आरोप है कि इसने ईरानी सुरक्षा बलों पर कई हमले किए हैं। साथ ही अल अरबिया न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस संगठन ने सिस्तान बलूचिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर भी हमले की जिम्मेदारी ली थी। ये हमला दिसंबर के महीने में किया गया था, जिसमें 11 पुलिस कर्मियों की जानें चली गई थी। ऐसे में ईरान ने इस संगठन को तबाह करने के उद्देश्य से एयर स्ट्राइक की है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान ने ईरान को चेतावनी तो दे दी है, लेकिन इस हमले पर उसका अगला कदम क्या होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।